नमस्कार, हेलो, मैं भावना फ्रॉम द सेंटर ऑफ हीलिंग। आज मैं आपको अपने एक कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी जिसे हम रेकी कहते हैं। रेकी एक यूनिवर्सल पावर होती है। इसमें आपके 5 स्टेप्स होते हैं, 5 लेवल्स होते हैं। रेकी लेवल 1 होता है, उसमें आपको अट्यूनमेंट दी जाती है जिससे आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। देन सेकेंड होता है, सेकेंड में आपके सिम्बल्स आ जाते हैं जिसपे सिम्बल्स के थ्रू आप रेकी हीलिंग कर सकते हैं, अदर पर्सन की भी और सेल्फ हीलिंग की भी, अपनी सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं आप। और थर्ड लेवल होता है, थर्ड लेवल में आपको रेकी सिंबल, इट मींस आप एक टीचर बन जाते हैं रेकी के, कि आप रेकी सिखा भी सकते हैं और खुद भी उसको अपने ऊपर या किसी अदर पर्सन के 7 चक्रा बैलेंस करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम रेकी थर्ड लेवल में आपको 3 चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि ग्रिड बॉक्स होता है, सती बॉक्स होता है और विश बॉक्स होता है। ग्रिड बॉक्स में आप क्रिस्टल के थ्रू अपनी हीलिंग करते हैं या किसी अदर पर्सन की भी हीलिंग कर सकते हैं। जो सती बॉक्स होता है उसमें रिलेशनशिप हीलिंग होती है, आप किसी भी रिलेशनशिप को हील करने के लिए सती बॉक्स का यूज कर सकते हैं। एंड देन विश बॉक्स में क्या होता है कि आप कोई भी अपनी विश जो भी आप पूरी करना चाहते हैं उसको रख के उसमें उसको रेगुलर बेसिस पे हीलिंग दे सकते हैं। ये 3 चीज़ें हम आपको थर्ड लेवल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब आते हैं फोर्थ लेवल पे। फोर्थ लेवल में क्या होता है कि आप एक मास्टर बन जाते हैं रेकी के। उसमें आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल तीनों की अट्यूनमेंट दे सकते हैं किसी भी पर्सन को। उसमें आप रेकी के बारे में बता सकते हैं उन्हें, और रेकी आप कैसे औरों पे काम करती है उसके बारे में आप बता सकते हैं। अब लास्ट लेवल है फिफ्थ लेवल, जो ग्रैंड मास्टर लेवल होता है। रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल करने के बाद आप उसके प्रिंसिपल बन जाते हैं रेकी के, और आप जो भी फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल वो आप किसी भी पर्सन को सिखा सकते हैं। तो ये 5 लेवल्स होते हैं रेकी के। रेकी आपका जो है वो नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। किसी को फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन या नेगेटिव थिंकिंग है उसको भी हील करने के लिए रेकी काम आता है। रेकी की एक बहुत अच्छी एडवांटेज है कि रेकी जो है वो डिस्टेंस भी कर सकते हैं। जैसे कोई दूर पर्सन बैठा है उसको आप हील करना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पर्सन सामने ही बैठा हो, इन पर्सन भी आप कर सकते हैं और इसको डिस्टेंस में भी कर सकते हैं। तो रेकी की सबसे अच्छी एडवांटेज ये है। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे काउंसलर से मिलना चाहते हैं या गाइडेंस लेना चाहते हैं रेकी के थ्रू, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।